ये है मेरी करंट बॉडी फिजिक एंड अगले 30 दिन तक मैं करने वाला हूँ फूड एंड वर्कआउट चैलेंज ताकि मेरी बॉडी पहुंच जाए यहाँ से यहाँ तक। और इसके लिए मुझे करने पड़ेंगे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि मैं कितने कठोर परिश्रम करके अपनी बॉडी को कहां से कहां तक पहुंचाने वाला हूं एंड उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैलेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस। खाना खाने का रूल नंबर 1 है नो शुगर। सबसे पहला रूल है कि मुझे शुगर को अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटा देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज के अलावा कोई भी न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं होता है। बॉडी की ग्लूकोज एंड एनर्जी नीड्स के लिए मेरा सोर्स रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्राइड फ्रूट्स ऑल्सो। चैलेंज का डे 1 तो काफी आसान था क्योंकि मैं फुल पावर मोटिवेटेड था एंड मेरे को नया नया शौक चढ़ा था, तो इसलिए मैंने बहुत ही इजिली खाना भी मेंटेन कर लिया, कुछ भी बुरा नहीं खाया और साथ साथ वर्कआउट भी बहुत अच्छे से एनर्जेटिकली किया। गाइस आज चैलेंज का पहला दिन था एंड कहते हैं कि सबसे ज्यादा मोटिवेशन और मुश्किल पहले दिन में ही होती है। आज किचन में बन रही है उबली हुई दाल। तो अब बात करते हैं वर्कआउट के रूल नंबर 1 की, जो है मूव गोल्स। बॉडी को शेप में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैलोरीज बर्न करना। मतलब आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो उससे ज्यादा अगर बर्न कर रहे हो तो आपकी बॉडी का वेट कम होगा ही होगा। तो इसलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि मूव योर बॉडी। मुझे किसी भी तरह ये इंश्योर करना है कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ एक्टिव कैलोरीज जरूर बर्न कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना होगा एंड रात को जल्दी भी सोना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टडीज शो करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा काम करता है डे टाइम में एंड रात को आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो इस चीज का फायदा उठाना भी बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिन के अंदर एटलीस्ट 500 कैलोरीज तो बर्न करनी ही करनी है, भले ही मैं वर्कआउट करूं या फिर नहीं करूं। वैसे वर्कआउट के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मुझे मेजर वर्कआउट के साथ साथ अपने दिन को छोटे छोटे वर्कआउट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं बैठे बैठे काम कर रहा हूं तो बीच में उठ के थोड़े बहुत वॉक करना, आफ्टर मील वॉक्स बहुत जरूरी है क्योंकि वो हार्मोनल सेक्रेशंस के लिए भी काफी अच्छे होते हैं एंड साथ साथ वर्कआउट तो भाई करने ही करने हैं। डे 2 पे सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि पिछले दिन का वर्कआउट काफी भारी पड़ गया था। फुल पावर मोटिवेशन में मैंने ज्यादा ही वर्कआउट कर दिया कि भाई डे 1 में ही सारी बॉडी बना दूंगा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज तो मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे उतना ही वर्कआउट करना चाहिए जितना मेरी बॉडी उस टाइम पे झेल सकती है एंड उससे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिवली बढ़ना चाहिए। जहां तक डाइट की बात है तो वो फॉलो करना मेरे लिए रिलेटिवली इजी है क्योंकि मैं घर के अंदर खाना बनवा लेता हूँ, मैं बॉइल कर लेता हूँ खाना अपना, बॉइल्ड एग्स खा लेता हूँ एंड अलग अलग चीजें खा लेता हूँ ताकि मुझे कोई भी शुगर कंज्यूम ना करनी पड़े एंड मेरी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट एंड शुगर रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो जाए। आज है चैलेंज का सेकेंड डे और मेरा लंच बॉक्स है तैयार। मूव गोल की बात करूं तो मैं घर से बाहर निकलता हूं एंड ट्रैवल भी करता हूं यूजुअली, तो इसलिए मेरा 500 कैलोरीज का जो मूव गोल है वो तो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि मुझे एक मेजर वर्कआउट तो चाहिए ही चाहिए एंड ये मुझे लाता है वर्कआउट के रूल नंबर 2 पे। वर्कआउट का रूल नंबर 2 है एक्सरसाइज 5 days a week। अच्छी बॉडी बनाने के लिए वेट लिफ्टिंग बहुत जरूरी है और कार्डियो भी जरूरी है, तो इसलिए इस चैलेंज में मुझे हफ्ते में कम से कम 5 दिन जिम जाना बहुत जरूरी है। इसका एम है कि मुझे अपनी बॉडी में मसल मास बढ़ाना है एंड साथ ही साथ बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना है एंड बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर एक बॉडी पार्ट को टारगेट करना बहुत जरूरी है एंड इसका मतलब है कि मुझे लेग वर्कआउट्स भी करने पड़ेंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कितना मसल बढ़ा है एंड कितना फैट कम हुआ? इसके लिए मैं करवाने वाला हूं अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। इसमें एक मशीन आपकी बॉडी की बायोइलेक्ट्रिक इंपेडेंस चेक करती है एंड उससे बताती है आपकी बॉडी में कितना मसल है एंड कितना फैट है। तो मैंने पहला टेस्ट कराया डे 1 पे एंड ये हमारा रहेगा बेसलाइन टेस्ट जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं अपने डे 30 के रिजल्ट्स एंड ये रहे मेरे डे 1 के टेस्ट रिजल्ट्स। तो इसके हिसाब से मेरा वेट है 76.1 kg जिसमें से मसल मास है 33 kg एंड बॉडी का फैट परसेंटेज है 23.5%, जो कि ज्यादा है। नॉर्मल बॉडी फैट होना चाहिए 10-20% के बीच में एंड आइडियल नंबर है 15। ओवरऑल फैट कंटेंट तो हाई है ही, लेकिन वेस्ट टू हिप रेशियो भी 1.04 है। इसका मतलब लव हैंडल्स भी बहुत ज्यादा हो रखे हैं इस टाइम पे, तो मुझे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैलेंज की मुझे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है और इस चैलेंज से सब कुछ बदलने वाला है।
पहले कुछ दिनों में तो वर्कआउट्स बहुत ही एक्सप्लोसिव हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थे, एंड स्टार्टिंग में तो सबसे ज्यादा पंप दिखता है आपको, तो और ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। मैं रोज वर्कआउट भी कर रहा था एंड डाइट भी फॉलो कर रहा था, लेग वर्कआउट्स भी काफी अच्छे जा रहे थे। लेकिन फिर आया डे नंबर 5 जहां पे मुझे इतना सारा काम था कि मेरे पास ना ही जिम जाने की मोटिवेशन थी, ना ही टाइम था और ना ही हिम्मत। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी क्योंकि ये चैलेंज कंप्लीट करना है, तो मैंने घर पे वर्कआउट करने का रूटीन भी बना लिया। अब मैं खाने की बात करूं तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू है ना वो है स्नैकिंग, और ये मुझे लाता है फूड के रूल नंबर 2 पे। फूड का रूल नंबर 2 है नो फ्राइड फूड, एंड इससे मेरा मतलब है नो डीप फ्राइड फूड, मतलब तेल से भरी हुई कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, एंड अगर डाल भी रहे तो वो आप अपनी बॉडी में तो नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद शैलो फ्राइड एंड सॉटेड फूड चलता है क्योंकि आपकी बॉडी को फैट्स तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड डीप फ्राइड फूड इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्राइड होता है एंड उसके अंदर ऑयल भी बहुत ज्यादा कुक हो गया होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ट्रांस फैट्स जनरेट हो जाते हैं, तो वो हमें किसी भी कीमत पे अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो मीठा नहीं खा सकते, फ्राइड नहीं खा सकते, इसका मतलब जितने भी स्नैक्स है ना दुनिया के अंदर, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुछ भी नहीं खा सकते। तो जब मील्स के बीच में भूख लगेगी तो खाया क्या जाएगा, तो इसके लिए मैंने वो कसर ही खत्म कर दी। मैंने स्टार्ट कर दिया मील्स के बीच में मील्स ऐड करना। ये एक बहुत अच्छा तरीका है भूख को कंट्रोल करने का, एंड साथ साथ अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करने का भी काफी अच्छा तरीका है। इसका सबसे मेजर इंपैक्ट ये था कि जब मेरी भूख कंट्रोल में होती थी तो मेरा मन ही नहीं करता था कुछ गंदा खाने का। हमारा चैलेंज काफी सही ट्रैक पे चल रहा था, लेकिन आया फिर डे 7 जब हुआ एक हादसा। चेस्ट की एक एक्सरसाइज करते हुए मेरे ऊपर गिर गई बारबेल रॉड, और वो भी 20 किलो वाली, और ये एक मेजर सेटबैक था क्योंकि डे 8 पे मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे कंप्लीटली रेस्ट करना पड़ा, एंड मुझे तो लगा कि भाई चैलेंज गया पानी में। लेकिन थैंकफुली इंजरी माइनर थी एंड इसलिए मैं डे 9 पे रिकवर करके वापस जिम जा सका। इस चैलेंज की वजह से इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी कि मेरा बाहर जाके खाना खाना भी इम्पॉसिबल हो गया था। अब आप सोच रहे हो कि भाई बाहर भी तो आपको नो शुगर नो फ्राइड खाना मिल जाता है, लेकिन रूल्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड यकीन मानो ये सबसे ज्यादा मुश्किल रूल होने वाला है। फूड का रूल नंबर 3 है नो ग्लूटेन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपको होल ग्रेन्स में मिलता है, जैसे कि वीट, बार्ले एटसेट्रा। लेकिन अगर ये प्रोटीन है तो इसको अवॉइड क्यों करना है, प्रोटीन तो जरूरी होता है ना वर्कआउट के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो ग्लूटेन को पूरी तरह ब्रेक डाउन कर सके, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे अनलेस आप ग्लूटेन से एलर्जिक हो। लेकिन स्टडीज के मुताबिक ग्लूटेन इज रिलेटेड टू वेट गेन एंड गेन इन विसरल एज वेल एज सबक्यूटेनियस फैट। बहुत नॉलेज झाड़ दी ना, तो आपको विस्तार में बताता हूं। विसरल और सबक्यूटेनियस फैट वो फैट होता है जो बॉडी का अनवांटेड फैट होता है, जो स्किन के नीचे वाली लेयर में जमा हो जाता है, एंड बॉडी के अंदर कुछ जगह है जहां पे वो मेजरली स्टोर होता है, जैसे कि हिप्स, एंड सबसे ज्यादा है आपकी बेली। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपका पेट बड़ा हो रहा है एंड कुछ भी कर लो आपका पेट कम नहीं हो रहा है, भले आपका खाली पेट हो फिर भी आपका पेट निकल सा रहा है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में विसरल एंड सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा है, एंड ये कम करने के लिए मुझे ग्लूटेन बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, एंड इसका मतलब नो रोटी। मैं तो अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि मैं रोटी कैसे छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में एक भी ऐसा दिन नहीं आया जब मैंने रोटी ना खाई हो। भले ही रोटी ना खाई हो तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर खाया है। ये है ओट्स आटा, और ये बनता है 100% होल ग्रेन ओट्स से। नॉर्मल आटा आपका पड़ता है अराउंड 50 रुपए किलो का, और ये है 280 रुपए किलो का आटा। जो नॉर्मल आटा होता है उसके अंदर आपको ज्यादा कार्ब्स मिलते हैं, लेकिन ये हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर आटा है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अगर आप अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज ये रोटी खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल रोटी तो नहीं खा रहा हूँ दोस्तों। तो अब रोटी छोड़ के मुझे कम्प्लीटली चावल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डिस्पाइट माई नेम। चैलेंज चल रहा है पूरे जोर शोर से, मैं अपने मूव गोल्स अचीव कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खाना अच्छा खा रहा हूँ, एंड मैंने ओरिजिनली ये चैलेंज स्टार्ट किया था कि भाई बॉडी में फर्क आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अकेला बेनिफिट नहीं है इस चैलेंज का। शुगर एंड ग्लूटेन छोड़ने से मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी बॉडी में थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है एंड ड्राउजीनेस कम होती है। तो डे 20 तक तो भाई बहुत फुल पावर चल रहा था चैलेंज, एंड मैं बहुत खुश था कि यार बॉडी में चेंज दिख रहा है मुझे। एक्चुअली रियलाइज होना शुरू हो गया था कि यार पेट कहां से कहां पहुंचने लगा है मेरा अब, एंड इवेंचुअली मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था। डे 1 से लेकर डे 10 तक वो जोन चल रहा था कि भाई ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। फिर डे 10 से 20 तक मैं सेटल होने लगा एंड मुझे लगा कि यार ये एक लाइफस्टाइल बन सकता है।
एंड डे 20 के बाद तो ये मेरी आदत बन चुकी थी एंड मेरे लाइफस्टाइल में ही कम्प्लीटली चेंज आ चुका था। एंड जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं तो आप वो चीज जरूर करना चाहते हो आगे भी। तो डे 30 के एंड में देखते हैं बिफोर वर्सेस आफ्टर में बॉडी में क्या चेंज आया है एंड उसके बाद देखेंगे कि भाई फाइनल स्टैट्स क्या हैं। तो ये रहा 30 डे फूड एंड वर्कआउट चैलेंज का फाइनल रिजल्ट एंड आप फाइनली देख सकते हैं कि 30 दिन के डिसिप्लिन से कितना ज्यादा फर्क आ गया बॉडी के अंदर। ओवरऑल स्टांस भी चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गई है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मसल डेफिनेशन आ गई है एंड पेट वो तो काफी ज्यादा कम हो गया है। हाँ मुझे पता है कि थोड़ी गुंजाइश बची है लेकिन वो भी धीरे धीरे कर लेंगे। अब देखते हैं कि फाइनल नंबर्स क्या हैं। तो मेरा बॉडी वेट पहुंच गया 76.1 से 75.2 पे। यार आप सोच रहे हो कि भाई इतने दिन तक खाना छोड़ा, इतने दिन तक वर्कआउट किया और आपका 1 किलो भी वेट कम नहीं हुआ। तो गाइज एक बार बता दूं कि गोल कभी भी वेट रिड्यूस करना था ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे अपनी बॉडी में मसल मास बढ़ाना है एंड फैट परसेंटेज कम करना है। तो मसल मास जो है वो पहुंच गए 33 केजीज से 34.4 केजीज तक। 1.5 किलो मसल मास बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है जबकि आपका वेट 0.9 केजीज कम हुआ है। एंड सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो हुई है वो हुई है बॉडी फैट परसेंट में एंड वो पहुंच गया हमारा 23.5% से 19.4% पे। वेस्ट टू हिप रेशियो है वो भी पहुंच गया 1.04 से 0.97 पे एंड ये कंप्लीटली नॉर्मल रेंज में आ चुका है। इनफैक्ट सारी की सारी चीजें जो पहले गलत थी वो अब नॉर्मल रेंज में आ चुकी हैं। तो गाइस ये था आपके सामने रियल टाइम रिजल्ट ऑफ हैविंग अ गुड डाइट एंड साथ में वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं एंड अगर एक भी चीज कंप्लीटली ना कर रहे हो आप तो आपको बॉडी में रिजल्ट नहीं दिखेगा बहुत अच्छा। और एक बात बताऊं तो ये चैलेंज खत्म हुए अराउंड 7 दिन हो चुके हैं एंड अभी तक भी मैंने शुगर या ग्लूटेन नहीं कंज्यूम किया है क्योंकि ये अब एक लाइफस्टाइल बन चुका है एंड देखते हैं ये कब तक चलता है। तो मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, आपको इसकी सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा एंड ऐसा क्या खाना है जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप चैलेंज कर रहे होंगे तब भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इस चैलेंज में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मैंने पूरे दिल से चैलेंज किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।